जरा सा किचन की तरफ जाना है। आपको पता है काशी भाई मेरा बड़ा एविड इंटरेस्ट है किचन के अंदर, तो जरा किचन की तरफ जाना है। बल्कि किचन में जाते जाते ये जरूर बता दूं कि वहाँ पे लाइफ बॉय हैंड वॉश से मेरी प्यारी सी जो सहेली हैं शेफ अनम मेरी छोटी बहन, वो अपने अच्छा नहीं सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज कर रही हैं। कुछ देर पहले जब वो एंटर हुई थी तो उन्होंने अपने हाथ धोए थे लाइफ बॉय हैंड वॉश से, अब वो सैनिटाइज कर रही हैं। वायरस को पंप करें, रब करें और छू कर दें। किस वायरस की बात कर रही हूँ? कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। 99.9% जरासीम से ये आपको प्रोटेक्शन देता है लाइफ बॉय हैंड वॉश एंड लाइफ बॉय सोप एज वेल एज लाइफ बॉय सैनिटाइजर। तो इन सब का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी से कोरोना वायरस जैसी हॉरिबल बीमारी और बाकी सारी बीमारियाँ और जर्म से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आज की ज़रूरत है कि अपने हाथों को साफ रखें और इस किस्म की पॉजिटिव आदतों को अपने आप को भी डालें और अपने घर वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुगना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, प्लेटर बना हुआ है कुछ। जी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट बिरयानी बनाएंगे। मैंने कहा कि पहले जो है रोस्ट की प्रिपरेशन करके रख लूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, और उसके साथ आज हम जामेशीरी की दूध जामेशीरी ड्रिंक बनाएंगे और उसके बाद फिरनी बनाएंगे। वंडरफुल। तो जामेश्वरी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सब पीते हैं। कर्शी जामेश्वरी पाकिस्तान का नंबर वन फेवरेट है। इसमें 100% खालिस अरकियात हैं उसके अंदर, और उसके साथ साथ इसमें एक कतरा पानी भी नहीं डलता। दूसरे चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसका जायका भी बहुत अच्छा है। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामेश्वरी सब पीते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल्पर्स मिल्क का हम इस्तेमाल करेंगे जामेश्वरी के साथ कंबाइन करेंगे दूध जामेश्वरी फिरनी के लिए भी, और फिरनी के लिए भी दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑल्पर्स फुल क्रीम मिल्क मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी, हमारे केस में सहरी और इफ्तारी को हैप्पी बनाता है। डेयरी क्रीम भी है, फुल क्रीम मिल्क भी है, फ्लेवर्ड मिल्क्स भी हैं। ऑल्पर्स फुल क्रीम मिल्क में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, UHT ट्रीटेड है और 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजर के आप तक पहुंचाया जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स हमने जब अपनी रोस्ट चिकन को भी फ्राई किया था क्रम लगा के, तो हमने रोस्ट पेटल जूप के ऊपर इसको ड्रेन आउट किया था और फ्राई किया था हमने इसको डालडा कलौंजी कलौंजी कनोला ऑयल, वही जो आपके कनोला के ऊपर जबान अड़ गई। इसमें कलौंजी का जो इस्तेमाल है, एक तो जायका भी बड़ा मजे का हो जाता है खाने का, उसके साथ साथ ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को और स्ट्रॉन्ग करती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है कलौंजी। एंड देन ऑफ कोर्स रोज पेटल सूप 3 डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है, आप भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस किचन ट्रैवल का रिजल्ट आपको कैसा मिला। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, आप अपना चिकन रोस्टेड बिरयानी दूध जामेश्वरी और फिरनी बादामी बनाना शुरू करें। बिल्कुल, मैं बाद में आके आपसे रेसिपीज लूं। बिल्कुल ठीक है। रोशनी ज़मीर में है, उजाले ज़हन में है, खाके कुवे मदीना मेरे खमीर में है, कि खाके कुवे मदीना मेरे खमीर में।
में है उजाले ज़हन में है मदीने जा सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है खाके कुएं मदीना मेरे खमीर में है कि खाके कुएं माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा। व्यूअर्स आप देख रहे हैं नूरे रमजान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। व्यूअर्स वक्त हो गया है नूरे मिद्दत का हमारी नात कंपटीशन 2021 आज क्वालिफायर 4 का डे 2 है और जैसे कि आप जानते हैं कल तमाम कंटेस्टेंट्स ने हमदिया कलाम पेश किया और आज तमाम कंटेस्टेंट्स नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारे जजेस शहबाज कमर फरीदी एंड शहजाद मद्दी साहब और अब आगे बढ़ते हैं वकास अवान। जी बेटा बने तड़प रहा
रहा हूँ तेरे शहर के हवा के लिए सजी काशिफ भाई आपसे शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार, अदायगी बड़ी शानदार और बड़ी अकीदत मोहब्बत से डूब के इन्होंने पढ़ा और मैं जो मुझे सुर का ज्यादा नहीं पता लेकिन बड़ा मुश्किल काम था, इन्होंने जिस सुर में पढ़ा है वो बड़ी मुश्किल सुर। अब शिवाज भाई ये आप गाइड करेंगे कलाम, तो जो इसकी प्रॉपर तर्ज है ना वो मैंने अभी नाज शरीफ जो पढ़ी है उसी के ऊपर ही है, अगर उसमें पढ़ते और रचा होता। आपने वैसे बच्चों पे प्रेशर डाल दिया शुरू करते ही। इन्होंने मिर्गल अपने ताई माशाल्लाह कोशिश की है बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा, लेकिन आप इनसे दो मिस्टेक हुई हैं। एक तो पढ़ा है इन्होंने मुस्तफ़ा, उसको तोड़ के पढ़ा है मुस्तफ़ा अलहदा अलहदा, और फिर बंदा नवाज वहाँ भी आपने पहले अंतरे पर जो है ना तोड़ के पढ़ा है। बहरहाल माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब फीलिंग्स थी इनकी, लेकिन तलफ़ुस की जो गलती उन्होंने बताई बड़ी प्रॉपर बताई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ जाने से पहले ऑफ कोर्स करशी जामेशीरी की तरफ से बेटा आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत खूबसूरत अदायगी थी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं हसन इम्तियाज़, हसन इम्तियाज़ को हम बुलाएंगे और ज़रा किचन में भी नज़र डालते हैं। अनम क्या सिचुएशन जारी है, कहाँ तक पहुँची है चीज़ें? एक तरफ तैयार हो रहा है, साथ में एक तरफ फिरनी तैयार हो रही है, तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मसाला जैसे ही होगा तो फिर साथ ही मैं तह लगा के बिरयानी की रोस्ट उसमें रखकर उसको दम पे लगा दूंगी। वंडरफुल वंडरफुल, और फिर उसके साथ हम बहुत मज़े का नौर का केचप भी इस्तेमाल करेंगे एंड देन हेलमंस मेयोनीज भी हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है जो हर चीज़ को लजीज कर देती है। हम अभी किचन की तरफ आएंगे लेकिन जल्दी से मैं सोच रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त ज़रा सा कम है, तो एक कुरानदाजी कर लेते हैं, बाइक का नाम बाइक के विनर का नाम निकाल लेते हैं। अनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से डेली बहुत से कीमती इनामात हमारे व्यूअर्स को मिलते हैं। बाइक का अब हम नाम निकाल रहे हैं, पहले ऑफ कोर्स हम लोग नाम निकाल चुके हैं एलसीडी के विनर का एंड आल्सो मोबाइल फ़ोन का। आप भी अगर इस कुरानदाजी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के जो कस्टमर्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बकिया वाजिबात 20 रमज़ानुल मुबारक तक क्लियर कर दें ताकि आप भी स्कीम इस कुरानदाजी का हिस्सा बन सके। एंड ऑल्सो जो हमारे देखने वाले हैं, हर कोई जो देख रहा है, आप भी 5 परले का प्लॉट जीत सकते हैं अगर आप अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, लाइक करें, शेयर करें, टैग करें और आप भी उस कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें 5 परले का प्लॉट निकलेगा और ये 27 रमजानुल मुबारक होगा। आसिफ भाई, बाइक के विनर का नाम, बाइक के विनर है जी मलिक अख्तर महबूब, इनका ताल्लुक लाहौर से है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 8528073। बहुत बहुत मुबारक हो। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, बहुत बहुत मुबारक हो मलिक अख्तर महमूद को, आपको अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से मिली है बाइक। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो कलाम सुन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान और इस वक्त स्टार्ट हो चुका है नूरे मित्तत नात कंपटीशन 2021। हसन इम्तियाज हमारे सेकंड कंटेस्टेंट है। खुशबू है दो आलम में
तेरी है गुले चीदा किस से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा किस से तेरे औसाफे हमीदा तुझसा कोई आया से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी कासिम भाई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी अंदाज बहुत अच्छा था लिबास बहुत शानदार माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस माशाल्लाह बहुत खूब बेटे ने बहुत अच्छा पढ़ा हफीज़ तायब साहब का कलाम इंतखाब बहुत अच्छा और अंदाज भी बहुत आला अंतरे पे जाके थोड़ा सा मिस किया है इन्होंने लेकिन उसको फिर पूरा निभा दिया है माशाल्लाह बहुत गुड एफर्ट गुड एफर्ट कल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने और बड़े तसल्ली से बड़े सुकून से कल बहुत उजलत में थे ये तो आज इन्होंने बहुत उसको निभाया और किस अजीम बाबे का लिखा हुआ कलाम बहुत लुत्फ आया माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सन आपको मिलेंगे दो गिफ्ट हैम्पर्स एक अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से और दूसरा आपको करछी जामे श्री का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा थैंक यू एंड अब हमें ज्वाइन करेंगी सबा परवेज साहिबा और आके कलाम पेश करेंगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यूअर्स जैसे कि आपसे कल भी हमने शेयर किया था सबा परवेज देख नहीं सकती शी इज़ अ स्पेशल पर्सन ब्लाइंड हैं लेकिन इनको नात और हम पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हम इनको इनकरेज करना चाहते हैं हेयर एट ए प्लस एंड पब्लिक न्यूज़ जी सबा बेटा जब से तस्वीर मदीने मुतमा
दिले बेताब बड़े माशाल्लाह बेटी ने बहुत खूब पढ़ा, बहुत अच्छा इंतखाब। और ये राग जो है माल कौन से, इसमें रहना जो है अपनी मजबूती से वो ही बड़ी बात है, और इन्होंने बड़े खूब आसन अंदाज से निभाया है माशाल्लाह। कल बहुत से अच्छा। आज में जमीन आसमान का फर्क है, कल से आज माशाल्लाह। बस एक पूरी प्यारी जब अंतरे में गए हैं तो मेरे सरकार जब कहा है तो उसमें थोड़ी सी इन्होंने थोड़ी निकाली पाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत खूबसूरत पड़ा है और आवाज़ का अंदाज आज बहुत अच्छा था। अदायगी बहुत शानदार थी, उसमें एक अकीदत थी, उसमें गुदास था, बहुत शानदार बेटा, वेरी नाइस, वेल डन बेटा। सबा परवेज के साथ जाएगा अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और जामे शिरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अब मोहम्मद उस्मान सियालवी हमें ज्वाइन करेंगे। बेटा जल्दी से आ जाइए क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है। आ जाओ बेटा। हाँ, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा,
जी मदनी भाई, बहुत अच्छा मतलब पढ़ा माशाल्लाह बेटे ने, बड़ा खूबसूरत निभाया, अच्छा अंदाज और सोच के साथ पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ी जल्दी में थी, लेकिन माशाल्लाह स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करनी है जी का। लिबास बहुत अच्छा था, अंदाज बहुत अच्छा था, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद उस्मान सियालवी के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम एंड करशी जामिशीरी की तरफ से। व्यूअर्स, ये नूरे मिद्दत का आज जो है हमारा ये वाला क्वालिफायर का ये वाला राउंड फिनिश हुआ जाता है। क्वालिफायर फोर की एलिमिनेशन कल होगी। इन कंटेस्टेंट्स में से कोई एक टॉप स्कोरर जो है वो राउंड टू के लिए क्वालिफायर कर जाएगा। आप ट्रांसमिशन देखते रहिएगा, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।